अस्सलाम वालेकुम क्राफ्टी इंडस में खुश आमदीद तो वीयर्स आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से राउंड नेक लेडीज़ कार्डिगन बनाना है टॉप टू डाउन है ये नेक से बनना शुरू हुआ है फिर उसके बाद ये रेगुलर इंक्रीज़ की हैं और उसके बाद स्लीव बनाई है मैंने और उसके बाद फिर फ्रंट और बैक के पंदों को कंबाइन करके बनाया है शॉर्ट बॉडी में बनाया है और शॉर्ट बॉडी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है शॉर्ट कार्डिगन स्वेटर्स यंग लड़कियाँ टीन स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हैं और यह पैटर्न मैंने इतना आसान बता आ, बनाना सिखाया है कि आ, एक बिगिनर भी जो है इसको बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकता है तो सबसे पहले आ, इसका मैं ओवरव्यू आपको दे दूं ये देखिए ये नेक से बनना शुरू होगा और नेक के गले को गहरा करने के लिए मैंने शॉर्ट मेथड यूज़ किया है और उसके बाद ये रेगलान इंक्रीज़ की हैं रेगुलान इंक्रीज़ जो हैं वो मैंने के एफ़ बी से की हैं दरमियान में रेगलान का कोई स्टिच नहीं रखा के एफ़ बी किया है दोनों साइड पर और उसी से इंक्रीज़ की हैं के एफ बी की वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसके बाद जो है ये देखिए ये जो मैंने आ, बटन बैंड बनाया है या तो ये बटन बैंड बनाया जाता है गार्टर स्टिच में या फिर वन बाय वन रिबिंग में लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर टू बाय टू रिबिंग की है यानी दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो उल्टी लाइन्स बनाई हैं दो सीधी लाइन्स बनाई हैं दो उल्टी लाइन्स बनाई हैं दो सीधी लाइन तो इसी से इस तरह से लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भी दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर ही बना हुआ है अच्छा इसकी नाइस एजिंग आए बहुत ही आ, नफीस एजिंग बने मैंने यहाँ पर आईकॉड एजिंग बनाई है वो आप वीडियो में देखेंगे कि उसको किस तरह से बनाना है उसके बाद जो है आ, दो तरह की मैंने इसमें जो है नीडल्स यूज़ की हैं Uh, जो नेक और uh, स्लीव और कार्डिगन का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यूज़ की है 3.5 पॉइंट mm फाइव नीडल और uh, बाकी का कार्डिगन मैंने 4 एम mm नीडल से बनाया है uh, तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं मेयर uh, इसकी लंबाई को अगर हम देखें मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको इसकी लंबाई को अगर हम देखें तो ये तकरीबन फोटी सेंटीमीटर या फिर उन्नीस इंच बनकर तैयार हुआ है चूँकि ये शॉर्ट बॉडी है ये लंबाई में यहाँ से कम है Uh, आजकल ट्रेंड में है इसलिए मैंने इतना बनाया है अच्छा रेगुलर इनक्रीजेज़ को अगर देखें तो ये 23 सेंटीमीटर या 9 इंचेस बनकर तैयार हुआ है इसकी uh, स्लीव की लंबाई को देख लेते हैं बॉर्डर तक इसकी स्लीव की लंबाई 39 सेंटीमीटर या 15 इंचेस है और अगर बॉर्डर बार, को अलग से काउंट करें तो ये 6-7 सेंटीमीटर या फिर uh, तकरीबन 3 इंचेस बनकर तैयार हुआ है आर्म होल से नीचे तक इसकी लंबाई देख लेते हैं आर्म होल से नीचे बॉर्डर तक इसकी लंबाई है 23 सेंटीमीटर और बॉर्डर को साथ काउंट करें तो ये आठ सेंटीमीटर है तो चेस्ट साइज यहां पे देख लेते हैं 43 सेंटीमीटर या फिर साढ़े सोलह इंच है तो ये मैंने मीडियम साइज़ में बनाया है और साइजेस की सारी डिटेल मैंने आ, जो है साथ ही साथ उसमें वीडियो में भी बता दी है अगर आपने इसको छोटे साइज़ में बनाना है या बड़े साइज़ में बनाना है तो उसको किस तरह से बनाना है अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसको छोटे बड़े साइज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है मैं पूरी रहनुमाई करूँगी आपकी इंशाल्लाह तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो वीर इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने विंटा की थ्री प्लाई वूल ली है चंकी वूल है 550 ग्राम वूल मैंने ली है के लिए मैंने ली है दो तरह की नीडल्स फोर एम एम और थ्री पॉइंट फाइव एम एम थ्री पॉइंट फाइव एम एम से मैं बॉर्डर बनाऊंगी, नेक का स्लीव का और नीचे कार्डिगन का और फोर एम एम से मैं पूरी कार्डिगन को बनाऊंगी तो चलिए सबसे पहले कास्ट ऑन कर लेते हैं तो देखिए देखिये अमूमन जब भी हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो हमारा टेल या तो कम पड़ जाता है ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करने में और या फिर बहुत ज़्यादा लंबा बच जाता है तो इसको अवॉइड करने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से ये सिरा हम पकड़ेंगे और नीडल के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बार लपेट लेंगे ये देखिए और फिर इसको मैं डबल कर लूँगी ये हो गया बीस बार तीस बार चालीस बार और पचास बार अब इस पचास बार को क्योंकि मैंने हंड्रेड फंदे कास्ट ऑन करने हैं सौ फंदे डालने हैं तो इस पचास को फिर मैं खोल के ऐसे डबल कर लूँगी ऐसे अब यहाँ पर मैं एक स्लिप नॉट लगाऊंगी ऐसे और ये जो टेल वाली साइड है इसको इस तरफ रखते हुए और बॉल वाली साइड को इस तरफ रखते हुए मैं इसको नीडल में ऐसे डाल लूँगी और उसके बाद हंड्रेड स्टिचेस कास्ट ऑन कर लूँगी आप जिस भी तरीके से करते हैं आप उस तरीके से कर लीजिए तो देखिए व्यूअर्स मैंने हंड्रेड स्टिचेस सौ फंदे नीडल पर डाल लिए हैं और देखिए है हमारी टेल ये इतनी सी बची है ना तो कम पड़ी है ना ही बहुत ज़्यादा लंबी रही है तो ये बड़ी आसानी से नीडल में डाल के अंदर टक हो जाएगी तो सबसे पहले हम नेक का बॉर्डर बनाएंगे और नेक का बॉर्डर बनाने के लिए मैं इसके साथ ही यहाँ पर शुरू में ही बटन बैंड के फंदे रख लूँगी तो नौ फंदे मैं दोनों साइड पर बटन बैंड के लिए रखूँगी और बाकी तो फंदे जो 82 टू हैं इनका दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बनाऊँगी तो दो फंदे बटन बैंड में से रखे रहेंगे हमारे आई आईकॉड एचिंग के और सात फंदे रहेंगे बटन बैंड के और ये हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और ये हमारी राइट साइड की रॉ है जहाँ पर हमारी सीधी सी लाइन होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रॉन्ग साइड से ही इसको बुनेंगे तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे ले जाएंगे सात फंदे सीधे बुनेंगे बटन बैंड के दो तीन चार पाँच छ सात अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे ये फंदे रॉन्ग साइड से तो उल्टे होंगे लेकिन राइट साइड से सीधे होंगे तो बटन बैंड के बिल्कुल साथ राइट साइड पे ये हमारे सीधे फंदे बनेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे तो व्यूअर्स इसी तरह से बुनते हुए मैं लास्ट नाइन स्टिचेस तक तमाम रो को दो सीधा दो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे अब देखिए ये हमारे नौ स्टिचेस रह गए हैं बटन बैंड के नाइन स्टिचेस हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास बटन बैंड के साथ रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे आए हैं तो अब धागा पीछे ले जाके सात फंदे बटन बैंड में से मैं बुनूँगी सीधे और दो फंदे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और आई कॉर्ड एजिंग बनानी है हमने तो पहला फंदा स्लिप करेंगे वाइज और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे सेकेंड रो है राइट right साइड पहला फंदा स्लिप करेंगे आई कॉर्ड एजिंग का और एक फंदा सीधा बुन लेंगे अब देखिए यहाँ पर हमने दो उल्टी दो उल्टी लाइंस और दो सीधी लाइन से हमने बटन बैंड का बनाना है तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पे दूसरी उल्टी लाइन बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और सात बंदे बटन बैंड के उल्टे बना लेंगे अब देखिए ये राइट साइड है हमारी और यहाँ पर देखें दो बंदे बटन बैंड के बिल्कुल सात सीधे आए हैं तो दो सीधे दो उल्टे का पाउडर बनाऊंगी मैं लास्ट नाइन स्टिचेस तक ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पर भी बटन बैंड के साथ हमारे दो सीधे पंदे आए हैं अब धागा अपनी तरफ लाते हुए सात पंदों को उल्टा बनाऊंगी बटन बैंड के क्योंकि हम हमारी यहाँ पर ये दूसरी उल्टी रो बनेगी फिर सात पंदे उल्टे बना लिए धागा पीछे ले जाएंगे सेकंड लास्ट पंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बना लेंगे थर्ड ड्रॉ है रॉन्ग साइड है देखिए व्यूअर्स थर्ड ड्रॉ है रॉन्ग साइड है पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा पर्ल पर्ल कर लेंगे उल्टा बुन लेंगे अब देखिए यहाँ पर हमारी दो सीधी लाइंस बनी हुई हैं तो यहाँ पर मैंने दो उल्टी लाइंस बनानी है तो उसके लिए मैं इन फंदों को पर्ल करूँ करूँगी उल्टा बुन लूँगी तो सात फंदे मैं उल्टे बुन बुनूंगी सात फंदे उल्टे बुन लीजिए आप देखिए ये दो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको भी उल्टा बुन लेंगे और दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बना लेंगे तो नौ फंदों तक मैं इसी तरह से दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाती हूँ दो फंदे यहाँ पे उल्टे बनाएंगे नेक के बॉर्डर के और अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर बटन बैंड के नौ फंदे हैं जिनमें से सात हमने उल्टे बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर दो लाइन सीधी बन चुकी हैं तो मैं इनको उल्टा बनूँगी सात फंदों को और उसके बाद आई कॉर्ड एजिंग के फंदे फंदों में से सेकेंड लास्ट फंदे को स्लिप करूँगी और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लूँगी अब देखिए फोर्थ रो है राइट साइड है पहला फंदा स्लिप करेंगे दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे अब यहाँ पर हमने एक और उल्टी लाइन बनानी है तो उसके लिए मैं इसको सीधा बनाऊंगी। जैसे अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पर दो उल्टी लाइंस बन गई हैं अब दो सीधी लाइंस बनानी है हमने तो उसके लिए इसको सीधा बुनेंगे राइट साइड से ये दो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बनाएंगे दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे अब देखिए व्यूअर्स बटन बैंड के फंदों तक इसको मैं इसी तरह से बनाऊंगी दो सीधा दो उल्टा का पाउडर तो देखिए व्यूअर्स मैंने लास्ट नाइन स्टिचेस तक तमाम फंदों को दो सीधे दो उल्टे का पाउडर बनाते हुए बुन लिया है अब ये देखिए ये हमारी यहाँ पर सीधी रॉ बननी है एक तो यहाँ पर मैं पहला बटन होल भी बनाऊंगी तो एक दो तीन तीन फंदे सीधे बना लिए धागा अपनी तरफ ला के ओवर करते हुए बैक लूप में से दो फंदों का एक बनाऊंगी। यहाँ पर एक जाली बन गई है जो बटन होल का काम देगी अब देखिए दो फंदे सीधे सेकेंड लास्ट फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बना लेंगे तो इन्हीं फोर रोज़ को सिर्फ बटन होल नहीं बनाना आपने इन्हीं फोर रोज़ को मैं दो बार और रिपीट करूँगी तो देखिए व्यूअर्स उन्हीं चार रोज़ को मैंने दो बार रिपीट किया यानी आठ रोज़ बनाई और चार रोज़ मैंने आपके साथ बनाई थी चार और आठ जो है ये बारह हो गई और ये मेरी बारहवीं रोज चल रही है राइट साइड है और ब, ब, बटन बैंड तक मैं तमाम फंदे बुन चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर एक और बटन होल बनाऊँगी जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है यहाँ पर भी मैं एक बटन होल बनाऊँगी मैं नेक के बैंड में दो बटन होल बना रही हूँ जो दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से तीन फंदे सीधे बुन लेंगे जैसे हमने पहले ही बटन होल बनाया है और धागा अपनी तरफ लाएंगे यार्न ओवर करते हुए दो फंदे बैक लूप में से सीधे बना देंगे इस तरह से दो फंदे रह गए हैं इनको सीधा बुन लेंगे सेकेंड लास्ट स्टिच है इसको स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुन देंगे तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये आई कोड एजिंग देखिए कितनी प्यारी बन के आ रही है दोनों साइड पे ये देखें तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर हमारा नेक का बैंड बनकर कंप्लीट हो गया है और अब हम अपने आगे से कार्डिगन बनाना शुरू करना है तो मैं इसको जो है वो चेंज कर लूँगी तो मैं सबसे पहले नीडल्स को चेंज कर लूँगी थ्री पॉइंट फाइव एम एम नीडल्स से हमने बॉर्डर बनाया है और अब मैं फोर एम एम नीडल्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ तो ये देखें ये हमारी राइट right साइड है और अब ये हमारी रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड की रो से मैं रेगुलर इंक्रीज़ करना नहीं शुरू करूँगी बल्कि राइट right साइड से करूँगी लेकिन यहाँ से मैं क्या करूँगी बटन बैंड के फंदे बुनके और बाकी तमाम फंदे उल्टे बना लूँगी और उसके बाद जो है बटन बैंड के फंदे जिस तरह से हमने बनाने हैं उस तरह से बनाएंगे तो उसके बाद फिर अगली राइट साइड की रो से मैं इसको बनाना शुरू करूँगी तो देखिए ये दो हमारे उल्टी रॉज बन चुकी हैं धागा पीछे ले जाएंगे और सीधी रो बनाएंगे ये जो हमने एक बटन होल बनाया है इसको भी बुन लेंगे अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पर दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर था ये देखें अब यहाँ इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है तो सात बटन बैंड के फंदे आ, हमने सीधे बना लिए हैं दो चार छः सात और दो हमने ये एज के फंदे जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं कॉर्ड एजिंग उस तरह से बनाए हैं और अब हम फंदों को उल्टा बुन देंगे लास्ट नाइन स्टिचेस तक तो मैं इस पूरी रॉ को उल्टा बना लूँगी नौ फंदों तक फोर एम एम की नीडल मैंने यहाँ पर लगा ली है तो उसी के साथ अब हाँ मैं पूरी कार्डिगन बनाऊंगी तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बुनती हूँ लास्ट नाइन स्टिचेस तक तो देखिए व्यूअर्स मैंने लास्ट नाइन स्टिचेस तक बटन बैंड के पंदों तक पूरी रो को उल्टा बना लिया है अब धागा पीछे लेके जाएंगे और इस इन बटन बैंड के पंदों को सीधा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी दो उल्टी रोज बन चुकी हैं ये देखें सात फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और सेकंड लास्ट फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन देंगे तो देखिए नेक का बैंड बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको रेगलैन के लिए डिवाइड करेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे तो देखिए व्यूअर्स मैंने हंड्रेड स्टिचेज यानी सौ फंदे डाले थे नीडल पर और जो है बॉर्डर बना लिया है नेक का और अब हमने इसको रेगलान के लिए डिवाइड करना है तो बैक साइड के लिए रखे हैं मैंने थर्टी स्टिचेस और दोनों साइड की स्लीव के लिए मैंने चौदह चौदह स्टिचेस यानी फोर्टीन स्टिचेस रखे हैं और दोनों साइड के फ्रंट के लिए मैंने बारह बारह स्टिचेस रखे हैं अब देखिए हमने जो है इसकी गुलाई को बनाना है फ्रंट साइड से यानी उसकी वजह से हमारा फ्रंट साइड का गला जो है वो थोड़ा डीप बनेगा जिस तरह से गुलाई में होता है तो हम किस तरह से करेंगे एक 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 यानी इन फंदों का हम शॉर्ट रो करते जाएंगे देखिए किस तरह से यहाँ से हम शुरू होंगे ठीक है एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे अच्छा यहाँ पे जो इनक्रीज़ेज़ हमने करने हैं इस बार मैंने रेगलान के लिए कोई स्टिच नहीं रखे इसमें अब हम ये करेंगे इस बार के हम निट फ्रंट एंड बैक यानी के एफ बी के एफ़ बी से हम फंदे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर भी एक फंदा इंक्रीज करेंगे उसके बाद ये बैक में और स्लीव में एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे और इस तरफ आ जाएंगे यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज करेंगे यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज करेंगे तो हमने यहाँ पे भी एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है यहाँ पे भी एक एक फंदा इंक्रीज करना है अब देखिए इस साइड पे भी मैं एक 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 यानी यहाँ से एक फंदा शामिल करेंगे ये वाला और यहीं से नीडल को पलट के शॉर्ट रो करते हुए वापस जाएंगे ये हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी वापस जाएंगे और यहाँ से इस एक फंदे को ले लेंगे यहीं से शॉर्ट रो करते हुए वापस जाएंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा इंक्रीज़ करना है दोनों साइड पे। वापस जाएंगे यहाँ एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे वापस जाएंगे यहाँ एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर एक एक फंदा इंक्रीज़ होगा और फिर से एक फंदा यहाँ पे शामिल कर लेंगे ठीक है उसके बाद जो है यहीं से अपनी रो को पलटेंगे शॉर्ट रो करते हुए इधर से ही हम वापस जाएंगे ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और अब की बार ये वाला फंदा हम इसमें शामिल कर लेंगे इधर से शॉर्ट रो करते हुए वापस जाएंगे एक एक फंदा इंक्रीज़ करते जाएंगे जो हमारा रेग लाइन इंक्रीज़ है के एफ बी करते हुए नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए वापस जाएंगे यहाँ से ठीक है और इस एक फंदे को भी इसमें शामिल कर लेंगे अब देखिए हमने यहाँ पे 12 स्टिचेस रखे हुए हैं 12 फंदे रखे हैं अब हमने ये वाला फंदा शामिल कर लिया अब उल्टी रोह से जो है इस फंदे को भी यहाँ पे शामिल कर लेंगे और फिर यहाँ से वापस पलटेंगे फंदे इंक्रीज करते हुए इस तरफ जाएंगे और यहाँ अब हमारे पास तीन फंदे यहाँ से कम हो गए हैं नौ फंदे रह गए हैं हमारे पास तो अब की बार हम दो फंदे शामिल करेंगे इसमें एक तीन बार हमें एक एक फंदा शामिल करेंगे और दो बार हम दो दो फंदे शामिल करेंगे और तीन बार हम एक एक फंदा शामिल करेंगे एक बार दो फंदे शामिल करेंगे और यहीं से अपनी शॉर्ट रो करते हुए जाएंगे बहुत अच्छी गुलाई बनती है इस तरह से अगर हम बनाते हैं इधर से भी हम दो फंदे शामिल कर लेंगे यहाँ और फिर इधर से ही अपने रो को वाप, वापस पलट लेंगे इंक्रीज करेंगे दोनों साइड पे रेगुलर इनक्रीज़ होगा हमारा इधर से ये मेरा ख़त्म हो गया है यहाँ इंक्रीज होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे अब की बार हम तीन फंदे शामिल करेंगे इसमें और जो बारह फंदे हैं उसमें से पांच फंदे हमारे इधर हो गए और पीछे रह गए हमारे पास सात फंदे सात में से तीन शामिल करेंगे और वापस पलटेंगे इधर से ही इस साइड पे भी ये हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है ये याद रखिएगा यहाँ से फिर तीन फंदे शामिल करेंगे और वापस पलट जाएंगे, फंदे इंक्रीज करेंगे दोनों साइड पे रेगुलर इंक्रीज होगा हमारा ठीक है इधर से हम बुनते हुए जाएंगे और जो चार फंदे अब रह गए हैं उनको भी शामिल कर लेंगे इसमें और यहीं से अपनी शॉट रो करते हुए वापस पलट जाएंगे, ठीक है और इस साइड से भी चार फंदे शामिल कर लेंगे वापस पलट जाएंगे तो इस तरह से हम करेंगे और अगली रो में फिर हम इसको पूरा बुनते हुए बटन बैंड के फंदे भी शामिल कर लेंगे इसमें और फिर उल्टी रो बनाएंगे और इस तरफ से भी बटन बैंड के फंदे जो हैं उसमें शामिल कर लेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्कर लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है तो देखिए व्यूअर्स मैंने इसी के अकॉर्डिंग जो है स्टिच मार्कर लगा लिए हैं यानी ये बारह फंदे फ्रंट के चौदह फंदे स्लीव के बैक के थर्टी फंदे दूसरी स्लीव के चौदह फंदे और फ्रंट के हमारे फिर से बारह फंदे तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने मार्कर लगा लिए हैं अब देखिए हमने इसको बनाना किस तरह से है के एफ पी करते हुए हमने रेगलान इंक्रीज़ करना है तो रेगलान इंक्रीज़ करने का एक ये भी तरीका होता है तो पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा बुन लेंगे यहाँ देख लेंगे ये हमारी एक उल्टी लाइन बनी हुई है एक उल्टी लाइन हमने और बनानी है यहाँ पर सात फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और इन फंदों को बुनते हुए हम दोनों तरफ के एफ पी करेंगे ग्यारह फंदे सीधे बुन लेंगे और के एफ पी करेंगे यानी नेट फ्रंट एंड बैक बारहवें फंदे में हम नेट फ्रंट एंड बैक करेंगे तो ग्यारह फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं अब इस फंदे को आगे से भी नेट फ्रंट एंड बैक का मतलब होता है नेट करना है हमने इसको सीधा बुनना है आगे से भी और बैक लूप में से भी ये देखें ऐसे बैक लूप में भी डालते हुए हमने सीधा बुन देना है मार्कर को स्लिप करेंगे दूसरी साइड पे भी Uh, जो है रेगुलर इंक्रीज uh, करेंगे नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए चौदह फंदे सीधे बुन लेंगे सॉरी बारह फंदे सीधे बुन लेंगे क्योंकि एक फंदे में के एफ किया है और लास्ट में भी एक फंदे में हम के एफ करेंगे तो दरमियान में हमारे पास बारह फंदे होंगे ट्वेल्व स्टिचेस होंगे उनको सीधा बुन लेंगे अब के एफ करेंगे नेट फ्रंट एंड बैक पार्कर को स्लिप कर लेंगे दूसरी साइड पे भी नेट फ्रंट एंड बैक तीस फंदे एक में तो हमने के एफ भी कर लिया और तीस में से अट्ठाईस फंदे सीधे बुनेंगे तो मैं ये सीधे बुन लेती हूँ बैग के भी फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं और मार्कर से पहले एक के एफ़ पी करेंगे नेट फ्रंट एंड बैग एक फंदा इंक्रीज़ हो गया हमारा मार्कर को स्लिप करेंगे नेट फ्रंट एंड बैग एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया मार्केट के दूसरी साइड में भी बारह फंदे सीधे बुनेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करने के लिए के एफ़ करेंगे नेट फ्रंट एंड बैक मार्कर को स्लिप करेंगे नेट फ्रंट एंड बैक एक फंदा यहाँ पे भी हमारा इंक्रीज हो गया तो ये जो एक फंदा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है बुनते हुए तो आप ये समझें कि ये हमारा एक फंदा इसमें शामिल हो गया है अब यहीं से अपनी नीडल्स को पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम रॉ को उल्टा बुन लेंगे दूसरी साइड के फ्रंट तक तो मैं इसको उल्टा बनाती हूँ और जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी उनको हम उल्टा ही बुनेंगे तो देखिए व्यूअर्स मैंने रॉन्ग साइड से तमाम पंदों को बुन लिया है दूसरी साइड के फ्रंट तक अब मार्कर को स्लिप करेंगे और के एफ पी करते हुए हमने एक पंदा इंक्रीज किया था उसको बुन लेंगे और एक फंदा जो हमने इसमें शामिल करना है उसको बुन लेंगे यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे शॉर्ट रो करते हुए और राइट साइड से आप देखिए किस तरह से करना है हमने पहला फंदा स्लिप करेंगे अगले फंदे में हमने के कर लेना है ठीक है मार्कर को स्लिप करेंगे के एफ पी करेंगे एक फंदा इंक्रीज करेंगे यानी नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए स्लीव के फंदे हैं इनको बुन लेंगे अब देखिए ये मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज करेंगे के एफ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे एक बंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ पी करते हुए मार्कर के बाद बैक साइड के स्टिचेस हैं इनको सीधा बना लेंगे मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ़ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ पी करते हुए दूसरी साइड की स्लीव है इसके फंदे भी सीधे बना लेंगे मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज करेंगे नेट फ्रंट एंड बैक मार्कर को स्लिप करेंगे एक फंदा इंक्रीज करेंगे नेट फ्रंट एंड बैक ये एक फंदा हमने शामिल किया था इसको बुन लेंगे और उसके बाद एक फंदा और शामिल कर लेंगे यहाँ से ऐसे यहीं से नीडल को पलट देंगे पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बन, बुन लेंगे अगले फ्रंट um, तक तो देखिए व्यूअर्स मैंने दूसरी साइड के फ्रंट तक तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है अब आ, मार्कर को स्लिप करेंगे और ये तीन फंदे हम बुन लेंगे उल्टे और अब एक और फंदा इसमें शामिल कर लेंगे तो दो दो स्टिचेस हमारे शामिल हो गए हैं दो इस तरफ से और दो इस तरफ से अब नीडल को इधर से ही पलट लेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा इंक्रीज करेंगे मार्कर स्लिप करेंगे अच्छा मैं आपको आप बार बार नहीं बताऊंगी कि के एफ़ भी करें के एफ़ इंक्रीज़ करूँगी तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे स्लीव के फंदे हैं सीधे बुनेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर से पहले मार्कर को स्लिप करेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर के बाद बैक साइड के स्टिचेस हैं और तमाम बंदे सीधे बना लेंगे नेक्स्ट मार्कर तक बैक साइड के फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर को स्लिप करेंगे मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे स्लीव के स्टिचेस हैं इसको सीधा बुन लेंगे स्लीव के फंदों को सीधा बुन लेंगे मार्कर से एक फंदा पहले तक एक फंदा इंक्रीज करेंगे मार्कर को स्लिप करेंगे मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और अब हमने तीसरा सिंगल स्टिच uh, जो है इसमें शामिल करना है तो हमें खुद बहुत ही ये देखें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक बनाया था तो ये देखें ये हमारा है स्टिच जो हमने पिछली बार इसमें शामिल किया था तो देखें व्यूअर्स हमें खुद बहुत ही पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक पहले बनाया था तो ये देखिए खुद बहुत ही वो सेपरेट हो गए हैं अब ये हम तीसरा फंदा शामिल कर रहे हैं जो सिंगल है यहीं से नीडल को पलट लेंगे पूरी रो को उल्टा बुनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनेंगे दूसरी साइड के फ्रंट तक तो देखिए व्यूअर्स मैंने तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है दूसरी साइड के फ्रंट तक अब मार्कर को स्लिप करेंगे और इन फंदों को भी उल्टा बुनेंगे जो हमने जहाँ से हमने पिछली बार शॉर्ट की थी तो यहाँ तक हमें खुद बहुत पता चल रहा है कि ये हमारी शॉर्ट रोई थी अब यहाँ से भी हम तीसरा आ, सिंगल फंदा जो है इसको इसमें शामिल करके रो को यहीं से पलट पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा इंक्रीज करेंगे मार्कर स्लिप करेंगे दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज करेंगे स्लीव के फंदे मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधे बुन लेंगे स्लीव के स्टिचेस भी मैंने मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधे बुन लिए हैं अब एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे दूसरी साइड पे भी बैक के स्टिचेस हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे मार्कर से एक फंदा पहले तक मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर को स्लिप करेंगे एक बंदा इंक्रीज करेंगे मार्कर के दूसरी साइड पे भी के एफ पी करते हुए स्लीव के बंदे मार्कर से एक बंदा पहले तक सीधे भूलेंगे एक बंदा इंक्रीज करेंगे के एफ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज करेंगे के एफ पी करते हुए अब देखिए व्यूअर्स हमारे तीन बंदे इसमें शामिल हो चुके हैं और अब यहाँ पर हमने दो बंदे इसमें शामिल करने हैं शॉर्ट रो करते हुए तो दो बंदे मैं बुन लूँगी ये देखिए हमें खुद बहुत ही पता चल रहा है एक दो फंदे दो इसमें शामिल करके इधर से ही रो को पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करके बाकी के तमाम फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे दूसरी साइड के, तो के फ्रंट तक तो देखिए व्ययर्स मैंने तमाम फंदे रॉन्ग साइड से उल्टे बुन लिए हैं दूसरी साइड के फ्रंट तक मार्कर को स्लिप करेंगे और दो तीन चार पाँच छः और सात सात फंदे मैंने उल्टे बना लिए अब यहाँ से दो बंदे शामिल कर रहे हैं हम ये वाले मैं ये शामिल कर देती हूँ इसमें ये देखें अब इधर से ये अपनी रॉक को पलट लेंगे और जिस तरह से हम इंक्रीज करते आ रहे हैं उसी तरह से इंक्रीज करेंगे पहला बंदा हमने स्लिप कर लिया है मार्कर तक, तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे और के एफ़ पी करेंगे एक बंदा इंक्रीज़ कर लेंगे मार्कर से पहले मार्कर को स्लिप करेंगे एक बंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ़ पी करते हुए स्लीव के फंदे सीधा बुन लेंगे मार्कर से एक बंदा पहले तक एक बंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ़ पी करते हुए मार्कर स्लिप करेंगे दूसरी साइड पे भी एक बंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ़ पी करते हुए तो जब ये सारे फंदे हमारे इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी गुलाई कि कितनी खूबसूरत मनी है बैक साइड के स्टिचेस हैं मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधे बुन लेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर से पहले मार्कर को स्लिप करेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर के बाद के एफ पी करते हुए स्लीव के फंदे हैं सीधे बुन लेंगे मार्कर से एक फंदा पहले मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर को स्लिप करेंगे एक बंदा इंक्रीज़ करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और सात सात बंदे सीधे बुन लिए अब यहाँ से हमने तीन बंदे इसमें शामिल करने हैं अब देखिए व्यूअर्स हमने ये तीन बंदे इसमें शामिल करने हैं दो बंदे हमने कर लिए हैं और अब तीन करने जा रहे हैं एक दो और तीन तो तीन फंदे मैंने यहाँ से शामिल कर लिए हैं अब यहीं से अपनी रो को पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनेंगे दूसरी साइड के फ्रंट तक तो देखिए व्यूअर्स मैंने तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है दूसरी साइड के फ्रंट तक मार्कर को स्लिप करेंगे और की बार हम तेरह फंदे बुनेंगे दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह नीडल को इधर से ही पलट लेंगे अब पीछे हमारे पास यहाँ चार फंदे रह गए हैं तो ये देखें बटन बैंड के फंदे हैं और पीछे दो दो चार इधर से नीडल को पलट के पहला बंदा स्लिप करेंगे और मार्कर तक बंदे सीधे बुन लेंगे के भी करेंगे एक बंदा इंक्रीज कर लेंगे मार्कर स्लिप करेंगे दूसरी साइड पे भी के एफ पी करेंगे एक बंदा इंक्रीज कर लेंगे स्लीव के फंदे सीधे बुन लेंगे मार्कर से एक फंदा पहले तक एक फंदा इंक्रीज करेंगे के एफ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे मार्कर के बाद एक फंदा इंक्रीज करेंगे के एफ पी करते हुए बैक साइड के स्टिचेस हैं मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधे बुन लेंगे देखिए व्यूअर्स मार्कर से एक फंदा पहले तक मैंने बैक साइड के तमाम स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे के एफ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर के बाद और स्लीव के फंदे सीधे बुन लेंगे मार्कर से एक फंदा पहले तक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे मार्कर से पहले के एफ पी करते हुए मार्कर को स्लिप करेंगे एक बंदा इंक्रीज करेंगे के एफ पी करते हुए तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर दो बंदे हो गए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह फंदे हमने बुन लिए अब देखिए चार फंदे जो यहाँ पर रह गए हुए हैं उनको बुनेंगे एक दो तीन चार ये वाले चार फंदे अब हमने बुन लिए हैं और अब हमने बटन बैंड को भी साथ ही बुन लेना है तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि बटन बैंड की कौन सी रो है तो ये हमारी उल्टी रो है धागा अपनी तरफ लाएंगे और सात फंदे उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात सेकेंड लास्ट फंदा इसको स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे रॉन्ग साइड की रो देखिए आई एजिंग का पहला फंदा स्लिप करेंगे दूसरा फंदा बुन लेंगे अब यहाँ पे हमने देखना है ये दो सीधी रोज बनी हैं अब यहाँ पे दो उल्टी रॉस बनेंगी तो मैं इन फंदों को सात फंदों को उल्टा बुन लूँगी अब देखिए हमारे कार्डिगन के स्टिचेस हैं हमारे यहाँ पर स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं शॉर्ट रोज कंप्लीट हो गई हैं अब मैं तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी दूसरी साइड के फ्रंट तक तो मैं ये बनाती हूँ तो देखिए व्यूअर्स मैंने दूसरी साइड के फ्रंट तक पूरी रॉक को उल्टा बुन लिया है अब मार्कर को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे बटन बैंड के फंदों तक यानी ये चार फंदे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और यहाँ पर हमारी शॉर्ट रोज कंप्लीट हो जाएंगी चार फंदे शामिल करते हुए हम बटन बैंड के फंदे भी साथ बुन लेंगे तो ये देखिए आगे ये हमारे बटन बैंड के फंदे हैं और ये चार फंदे हैं जो अब हमने शामिल करने हैं जो ये यहाँ पर रह गए थे तो इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे इस तरह से और अब इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे ये देखते हुए कि बटन बैंड की ये कौन सी रो है तो ये उल्टी रो है मैं इनको उल्टा बुन लूँगी सात फंदों को आई कॉर्ड एडिंग के फंदे हैं सेकंड लास्ट फंदा स्लिप करूंगी पर्ल वाइज और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लूंगी तो व्यूअर्स मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बहुत ही मैसी हो गया और यहाँ पे आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो मैंने इसको यहाँ पर दोबारा इसकी ड्राइंग बनाई है ये देखिए एक एक फंदा हमने तीन बार शामिल किया है फिर दो फंदे शामिल किए फिर तीन फंदे शामिल किए फिर चार फंदे शामिल किए और उसके बाद बटन बैंड के फंदों को भी इसमें शामिल करके कंप्लीट बुन लिया इस साइड से भी हमने एक एक करके फंदा शामिल किया है और फिर दो फिर तीन और फिर चार और फिर बटन बैंड के फंदे तो शॉर्ट रोज का मेथड आपने यही रखना है लेकिन इस को कि ये क्लियर नजर आए मैंने इसको ये दोबारा से चार्ट बना के आपको दिखाया है यहाँ पर तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको बुनने में आसानी रहे तो देखिए व्यूअर्स हमारी Uh, यहाँ पर गुलाई जो है बनकर कंप्लीट हो गई है और देखें कितना ख़ूबसूरत और परफेक्ट बन कर ये आया है अगर मैं आपको इसको ऐसे टर्न करके दिखाऊं यहाँ से इसको ऐसे टर्न करेंगे तो ये देखें जिस तरह से uh, फ्रंट वाला गला जिस तरह डीप होता है ये उसी तरह से डीप बना है और बहुत ही ख़ूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है आप देखिए मैं के एफ़ करते हुए उसी तरह से फंदे इंक्रीज करूँगी दोनों साइड पे मार करके और नेक के बैंड से लेके आर्म होल तक 20 22 सेंटीमीटर बना कर तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रंट पैक के लिए डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रंट पैक और स्लीव के लिए डिवाइड करेंगे करेंगे तो देखिए व्यवर्स हमारी कार्डिगन नेक से लेके आम होल तक 20 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गई है और अब हम जो है पहले स्लीव बनाएंगे और उसके बाद फ्रंट और बैक के फंदों को कंबाइन करके फ्रंट और बैक बनाएंगे और मैं आपको दिखाती हूं कि ये देखें इसकी नेक कितनी अच्छी इसका राउंड बनकर आया है इसकी गहराई जिस तरह अगला गला गहरा होता है उस तरह से हमने जब इस तरह से निट किया है तो अगला गला गहरा बना है तो देखिए मेरा स्लीव बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब 20 सेंटीमीटर इसको बनाया तो मेरे पास यहां पर 25 फाइव इंक्रीजेस हुए 25 बार इंक्रीज हुआ नेक से लेके आर्म होल तक 12 स्टिचेस थे फ्रंट के 37 हो गए दोनों साइड पे 14 स्टिचेस थे दोनों स्लीव के 64 हो गए इंक्रीज होने के बाद 30 स्टिच थे बैक के जो 80 हो गए इंक्रीज होने के बाद क्योंकि 25 बार इंक्रीज हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं फ्रंट साइड के फंदों को स्टिच मार्केट तक बुन लूंगी और यहां से हमारी स्लीव शुरू होनी है तो मैं इन फंदों को सीधा बुन के और इसके ऊपर उतार लूंगी स्टिच होल्डर तो देखिए वीडियो सबसे पहले हमारे ये बटन बैंड के स्टिचेस हैं बटन बैंड के फंदे हैं हम देख लेंगे कि हमने इनको इनकी कौन सी रॉ बनानी है सीधी रॉ बनानी है या उल्टी रॉ बनानी है तो दो फंदे ये आईकॉड के हैं इनको बुन लिया और यहाँ पर एक ही उल्टी लाइन बनी है धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक उल्टी लाइन और बना लेंगे यहाँ पर यानी बटन बैंड के फंदों को इस रॉ में मैं उल्टा बना रही हूं और यहाँ पर ये देखें दूसरी उल्टी लाइन बन गई है धागा पीछे ले जाऊंगी और स्टिच मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बना लूंगी अब ये जो फ्रंट साइड के फंदे हैं इसको मैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगा तो देखिए व्यूअर्स मैंने फ्रंट साइड के फंदे जो हैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिए हैं अब सबसे पहले हम स्लीव के फंदे बुनेंगे स्लीव बना लेंगे पहले तो स्लीव के फंदे हमारे पास हैं सिक्सटी फोर तो यहाँ पर मैं तीन फंदे दोनों साइड पे इंक्रीज करूंगी केबल कास्ट ऑन मेथड से देखिए इस तरह फंदे में नीडल डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे इस फंदे को गिराएंगे नहीं बल्कि ये वाला फंदा जो हमने बनाया है इसको इस नीडल पे डाल देंगे ये हमारा फंदा इंक्रीज हो गया अब जो इंक्रीज किया हुआ फंदा है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे ये हमारा दूसरा फंदा इंक्रीज हो गया इसी तरह तीसरा फंदा भी इंक्रीज कर लेंगे ये हमारे पास इस साइड पे तीन फंदे इंक्रीज हो गए हैं दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से तीन फंदे इंक्रीज करूंगी और हमारे पास टोटल हो जाएंगे सेवेंटी स्टिचेस तो मैं इस पूरी रॉ को अब सीधा बना लूंगी तमाम फंदों को सीधा बुन लूंगी और दूसरी साइड पे जो फंदे हैं उनको उल्टी साइड से इंक्रीज करूंगी तो मैं इस रॉ को पूरा सीधा बना लेती हूँ तो इस पूरी रो को मैंने सीधा बना लिया है अब रोंग साइड से रॉन्ग साइड की रो है और रोंग साइड से हम फंदे इंक्रीज करेंगे तीन फंदे इस तरफ भी इंक्रीज करेंगे और देखिए किस तरह से ऐसे वाइज फंदे में ऐसे नीडल डालेंगे एक फंदा निट कर लेंगे इसको इस फंदे को गिराएंगे नहीं बल्कि इस फंदे को ऐसे नीडल पे ले लेंगे एक एक फंदा इंक्रीज हो गया इसी तरह बुनेंगे और इसको ऐसे नीडल पे ले लेंगे दो फंदे हो गए और ये तीन अब पूरी रो को उल्टा बना लेंगे तो तीन फंदे इस तरफ और तीन फंदे दूसरी तरफ इंक्रीज होने के बाद सेवेंटी स्टिचेस हो गए हैं नीडल पर स्लीव के लिए हमारे तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बना लेती हूं तो देखिए व्यूअर्स मैंने रोंग साइड से भी एक रो बना ली है अब देखिए व्यूअर्स राइट साइड रोंग साइड दोनों तरफ से Uh, सीधा उल्टा बनाते हुए मैं आठ रॉस और बनाऊंगी और उसके बाद स्लीव को शेप देने के लिए दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज करूंगी तो ये देखिए व्यर्स मैंने एट रॉस बना लिए सीधा उल्टा बुनते हुए और अब स्लीव के दोनों तरफ एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे हम uh, स्लीव को शेप देने के लिए तो मैं इस तरह से किया करती हूं हमेशा मेरी हर वीडियो में मैं आपको बताती हूं कि एक फंदा पहले सीधा बुन लीजिए और दो फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा डिक्रीज कर दीजिए पूरी रो को सीधा बुन लेंगे इस तरह से जब हम बनाते हैं तो वो एक चोचे से निकली हुई नहीं आती तो ये बढ़िया नीट रो को सीधा बुन लूंगी लास्ट के तीन फंदों तक तो देखिए वेयर्स मैंने लास्ट थ्री स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं अब यहां पर भी हमने दो का एक बनाना है और एक फंदा डिक्रीज करना है तो पहला फंदा स्लिप करेंगे नीडल पे वापस लेंगे और बैक लूप में से बुनते हुए दो फंदों का एक बना लेंगे लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे अब मैं सात रोज और बनाऊंगी आठवीं नौ में एक दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज करूंगी फिर सेवन रो बनाऊंगी और एट्थ रो में जो है एक एक स्टेज दोनों साइड पे डिक्रीज करूंगी तो इसी तरह करते हुए मैं दस या ग्यारह बार डिक्रीज करूंगी वो फिर मैं देख लेती हूँ इसकी लेंथ कितनी बनानी है मैंने स्लीव की और उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे तो देखिये स्लीव की लंबाई मैंने आर्म होल से लेकर नीचे बॉर्डर तक 40 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर ली है अब हमने स्लीव का बॉर्डर बनाना है तो मैं आपको बता दूं एक डिक्रीज़ मैंने आपके सामने की थी हर आठवीं सिलाई में फिर मैंने फंदा डिक्रीज़ किया तो 11 डिक्रीज़ेज़ मैंने ऑफ कैमरा की यानी टोटल यहाँ पर एक साइड पर बारह फंदे और दूसरी साइड पर बारह फंदे यानी चौबीस फंदे डिक्रीज़ हुए हैं सेवेंटी स्टिचिज़ हमारे पास पहले थे और अब हमारे पास फोर्टी सिक्स स्टिचेज़ हैं और अब हमने बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर हमने जो है थ्री पॉइंट फाइव एम एम नीडल पर बनाना है यानी एक नंबर छोटी सिलाई पे बॉर्डर बनाएंगे तो मैं ये बनाती हूँ तो व्यूअर्स अब हमने स्लीव uh, का बॉर्डर बनाना है टू बाई टू रिबिंग करते हुए यानी दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए जिस तरह हमने नेक का बॉर्डर बनाया था दो सीधा दो उल्टा का तो नेक का बॉर्डर भी हमने 3.5 पॉइंट फाइव एम नीडल से बनाया था और अब स्लीव का बॉर्डर भी मैं 3.5 पॉइंट फाइव नीडल पर ही बनाऊँगी तो जिस तरह से सिंपल हमने नेक के बॉर्डर में किया था दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे अब हम कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे और दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे तो मैं पूरी रो को इसी तरह से बनाती हूँ और लास्ट में ये देखें दो फंदे हमारे सीधे आए हैं तो देखिए व्यूअर्स इसी तरह से बनाते हुए दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैं एटीन रोज बनाऊंगी एक रो मैंने आपके साथ बना ली है सत्रह रोज मैं और बनाऊंगी तो देखिए वर्ष मैंने बॉर्डर की एटीन रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो देखिए जब हम दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बना रहे होते हैं तो हमने फंदों को किस तरह से बाइंड ऑफ करना है तो देखिए जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको हम वैसा ही बुनेंगे ये दो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुनेंगे पहला फंदा सीधा बुन लिया ये फंदा भी सीधा है इसको सीधा बुन लेंगे और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे गिरा देंगे अब ये देखिए ये दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीडल से नीचे गिरा देंगे अब जो नेक्स्ट फंदा है ये भी उल्टा है इसको भी हम उल्टा बना लेंगे और उसको इसी तरह से नॉर्मल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे अब देखिए ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है इसको सीधा बनाएंगे और इसको ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे अगला फंदा भी सीधा है इसको सीधा बुनते हुए ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे अगले दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से और इसको बाइंड ऑफ़ कर देंगे उससे अगले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे और इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे तो इसी तरह से मैं दो सीधे दो उल्टा बुनते हुए ही फंदों को बाइंड ऑफ़ करूंगी और इससे हमारा ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत बाइंड ऑफ हो रहा है तो मैं इसी तरह से तमाम पंदों को बाइंड ऑफ कर तो देखिए व्यूअर्स मैंने तमाम पंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के लास्ट वाले स्टिच को भी सिक्योर कर लूंगी लंबा टेल मैंने इसलिए छोड़ा है कि फिर इसी से हमने अपनी स्लीव को आ, स्टिच करना है यहाँ पर सिलाई करना है तो इसी तरह से मैं दूसरा स्लीव भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फ्रंट और बैक के फंदों को कंबाइन करते हैं तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने दूसरी साइड का स्लीव भी इस तरह से ये देखिए बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम फ्रंट और बैक के फंदों को कंबाइन करेंगे तो देखिए व्यवर्स जब हमने इस साइड की स्लीव बनाई थी तो हमने ये लेफ़्ट साइड का फ्रंट जो है उसके फंदे यहाँ तक हमने बुन लिए थे अब हम धागा अपना इधर ही अटैच करेंगे देखिए यहाँ पर ऐसे नीडल डालेंगे और तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इन फंदों को पिक करना है जो तीन फंदे हमने स्लीव के इस साइड पे और दूसरी साइड पे इंक्रीज किए थे इन तीन, तीन तीन फंदों को हम पहले पिक करेंगे और उसके बाद बैक के फंदों को हम साथ अटैच करेंगे तो ये देखिए ये हमें पहली बार दिखाई दे रही है इसमें ऐसे नीडल इसमें नहीं हमने नीडल डालनी इस बार में हमने नीडल डालनी है इस तरह से और यहाँ से एक फंदा पिक कर लेना है अब देखिए अगला फंदा हमारा ये है इस बार में ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे अगली बार हमारी ये अगला फंदा हमारा ये है यहाँ पर ऐसे नीडल डालेंगे यहाँ और इस फंदे को भी ऐसे पिक कर लेंगे ऐसे ये देखें तो देखिए व्यवस्था स्लीव की इस साइड पे हमने तीन फंदे पिक कर लिए हैं और दूसरी साइड पर भी हमने फंदे इंक्रीज किए थे तीन अब इन फंदों को भी हम इसी तरह से पिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले अब हम किनारे वाला फंदा पिक करेंगे ये देखें ये हमारा किनारे वाला फंदा है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसको ऐसे पिक कर लेंगे अब देखिए ये फंदा है हमारा ये देखें ये फंदा है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इस फंदे को पिक कर लेंगे दो फंदे पिक हो गए और अब तीसरा फंदा हमारा ये है जो इस तरफ को जा रहा है इसमें ऐसे निटल डालेंगे और इसको पिक कर लेंगे तो तीन फंदे हमने इस तरफ से भी पिक कर लिए अब हम बैक साइड के स्टिचेस बैक साइड के फंदे पूरे बुन लेंगे तो एटी स्टिचेस हैं हमारे बैक साइड के और इन एटी स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे मैं दूसरी साइड की स्लीव तक तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी बैक साइड के तो देखिए व्यूअर्स मैंने बैक साइड के तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं अब ये हमारी दूसरी साइड की स्लीव है यहाँ पर भी हमने उसी तरह से फंदे पिक करने हैं तीन फंदे इस तरफ और तीन फंदे दूसरी साइड पे तो ये देखें ये हमारा पहला स्टिच है ये इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे अगला स्टिच हमारा ये है इसमें निडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे और लास्ट वाला स्टिच हमारा ये है इसमें नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे तो तीन फंदे मैंने यहाँ से पिक कर लिए हैं अब स्लीव की दूसरी साइड से भी इसी तरह से फंदे पिक करेंगे ये देखें ये स्लीव की दूसरी साइड है जहाँ पर हमने फंदे इंक्रीज किए थे तो इस तरह इस तरफ भी हम उसी तरह से फंदे पिक करेंगे देखें पहले आ, ए, किनारे वाले फंदे को पिक करेंगे ये देखें ऐसे नीडल डाल के तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे एक फंदा उठा लिया अब ये देखिए अगला फंदा हमारा ये है ऊपर जा रहा इसमें ऐसे नीडल डालेंगे एक फंदा उठा लेंगे अब एक फंदा ये हमारा जा रहा है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा उठा लेंगे यहाँ से तो इस साइड से भी मैंने तीन फंदे पिक कर लिए हैं अब दूसरी साइड का फ्रंट है इसके फंदों को भी सीधा बुन लेंगे बटन बैंड के फंदों तक अब देखिए व्यूअर्स हम ये हमारे बटन बैंड के फंदे यहाँ पर शुरू हो रहे हैं तो हम देख लेंगे कि ये हमारी कौन सी रो है तो यहाँ पर एक रो उल्टी बन चुकी है और अब हम दूसरी रो उल्टी बनाएंगे तो धोगा अपनी तरफ करके और सात फंदों को उल्टा बना लेंगे आई को एजिंग है पहला फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बना लेंगे आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक बटन होल बनाया है तो बटन होल का हिसाब मैंने किस तरह से रखा है ये देखें ये जो दो उल्टी लाइंस हैं ये मैंने जब पांच बार बना ली एक दो तीन चार पाँच तो एक बटन होल बनाया फिर से मैंने जब ये पांच बार बन गई एक दो तीन चार पाँच तो फिर मैंने एक बटन होल बनाया अब फिर से जब ये दो उल्टी लाइंस जो हमें हमने बटन ब्रांड की ये बनाई हैं जब पांच बार बन जाएंगी तो मैं फिर से एक बटन होल बनाऊंगी और इसी तरह मैं बटन होल का हिसाब रखूंगी रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह से हम बनाते आए हैं मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनानी है पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे और अब हम देख लेंगे कि हमने हमारी ये दो सीधी रॉस बन चुकी हैं यहाँ पर एक उल्टी रॉ बननी है तो इन फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे बल्कि लास्ट टू स्टिचेस तक या बटन बैंड के फंदों तक मैं इसको पूरी रॉ को उल्टा बना लूँगी ये बटन बैंड के फंदे हैं आगे तो हमने बनाना ही उल्टा है क्योंकि सीधा उल्टा से हम कार्डिगन बना रहे हैं तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बना लूँगी बटन बैंड के फंदों तक अब देखिए व्यूअर्स मैंने तमाम फंदों को यहाँ बटन बैंड तक उल्टा बुन लिया है और ये दो हमारी रोज सीधी बन चुकी हैं अब यहाँ पर हमारी रो उल्टी बननी है तो मैं बटन बैंड के फंदे भी उल्टे ही बना लूंगी सेकेंड लास्ट फंदा स्लिप करेंगे और बिना बुने उतार लेंगे और लास्ट वाला फंदा इसको हम उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ये स्लीव जो हैं ये जॉइन हो चुकी हैं और तो फ्रंट और बैक के फंदे यहाँ कंबाइन हो गए हैं अब मैं आर्म होल से लेके नीचे बॉर्डर तक इसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूँगी और उसके बाद बॉर्डर बनाऊँगी तो देखिए व्यूअर्स मैंने आम होल से लेके नीचे बॉर्डर तक कार्डिगन की लंबाई जो है वो तकरीबन तो ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर, कर लिया ये देखें आप इसकी लंबाई को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और मैं चूंकि ये शॉर्ट बना रही हूँ शॉर्ट लेंथ में बना रही हूँ तो ट्वेंटी थ्री जो है वो बिल्कुल मुनासिब रहेगी इसके लिए अगर आप इससे छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 20 आ, सेंटीमीटर रख लीजिए और अगर इससे बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर रख लीजिए आप देखिए हमने बॉर्डर बनाना है आ, नीचे बॉटम का तो इसके लिए मैं 3.5 पॉइंट mm नीडल ले लूँगी नीडल साइज़ हम चूँकि हमने स्लीव में भी थ्री पॉइंट फाइव एम एम से बॉर्डर बनाया है और नेक का बॉर्डर भी जो है हमने थ्री पॉइंट फाइव एम एम से बनाया है तो यहाँ नीचे बॉटम का बॉर्डर भी जो है हम थ्री पॉइंट फाइव एम एम से बनाएँगे तो पहला पंधा स्लिप करेंगे और आईकॉड आईकॉट का सेकेंड पंधा जो है वो सीधा बुन लेंगे अब अब देख लेंगे बटन बैंड की ये कौन सी रो है तो ये यहाँ पर एक उल्टी रो बन चुकी हुई है और दूसरी उल्टी रो हम बना रहे हैं तो ये मैं बना लूँगी इसको उल्टा बुन लूँगी सात फंदे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे अब देखिए बटन बैंड के बिल्कुल साथ जिस तरह हमने नेक का बॉर्डर बनाया था और बटन बैंड के बिल्कुल साथ हमने ये दो फंदे सीधे बनाए थे इसी तरह यहाँ पर भी हम दो फंदे सीधे बनाएंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि दूसरी साइड पे भी हमारे बटन बैंड के साथ दो फंदे सीधे ही आए अगर आपके पास फंदों की आ, का काउंट जो है वो ज़्यादा है या आ, है मतलब आ, एंड पे दो फंदे उल्टे आ रहे हैं तो आप बीच में कहीं आ, दो फंदे कम कर सकते हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं तो दो सीधे तो उल्टे का बॉर्डर बनाती हूँ मैं मेरे फंदे यहाँ पर बिल्कुल पूरे हैं और आ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको कम करने की अगर आपके फंद आप बड़े साइज में बना रहे हैं और आपके पास फंदों फंदे ज़्यादा हैं और एंड पे आपके दो उल्टे फंदे आ रहे हैं दूसरी साइड के बटन बैंड के साथ तो आप दो फंदे कहीं बीच में डिक्रीज़ कर दीजिए तो मैं इस पूरी रॉक को बटन बैंड तक बनाती हूँ दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए दो फंदे उल्टे और लास्ट में ये देखिए हमारे पास दो फंदे सीधे तो देखिए व्यूअर्स बटन बैंड से पहले भी हमारे पास यहाँ पर दो फंदे सीधे आ गए हैं अब बटन बैंड के फंदे हैं इनको उल्टी रो बनानी है हमने तो ये मैं उल्टे बुन लूंगी धागा पीछे ले जाएंगे पहला बंदा स्लिप करेंगे सेकंड लास्ट और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे अब देखिए रॉन्ग साइड से उसी तरह से हम बॉर्डर की रोज़ बनाएंगे दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर और बटन बैंड की रोज़ हम देख लेंगे कि कौन सी हमने बनानी है उल्टी बन अब दूसरी साइड से ये उल्टी बनेगी तो इसी तरह बनाते हुए दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर मैं 18 रोज़ बना लूँगी तो देखिए म्योर्स ये हमारी एटीन रो है और इसमें मैंने लास्ट बटन होल बनाना है तो देखिए व्यूअर्स मैं पहले देख लूँगी कि ये कौन सी रो है तो ये हमारी सीधी रो है और तीन फंदे मैं सीधे बुन लूँगी एक दो तो, तीन धागा अपनी तरफ ला कर दो फंदों का एक बनाऊँगी बैक लूप से तो ये देखिए यार्डन ओवर होने से हमारा एक यहाँ पर बटन होल बन गया है अब दो फंदे सीधे सेकंड लास्ट फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुन देंगे अब देखिए रॉन्ग साइड से एक रो मैं और बनाऊंगी और राइट साइड से फिर पंदों को बाइंड ऑफ करूंगी तो देखिए व्यूअर्स मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो बना ली है बॉर्डर पे बॉर्डर वाली रो और यहाँ पर जो रो बननी थी बटन बैंड के फंदों में उसको उसी तरह से बनाया है यानी यहाँ पर अब हमारी उल्टी रो बननी थी अब देखिए हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है तो ये दोनों फंदे चूँकि हमारे सीधे थे इनको सीधा बुनेंगे और एक फंदे को दूसरे के ऊपर से पास कर देंगे अब ये फंदे हमारे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा बुनते हुए ही बाइंड ऑफ करना है तो देखिए उल्टा बुना बाइंड ऑफ कर दिया फिर से उल्टा बुना बाइंड ऑफ कर दिया तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी तो देखिए व्ययर्स हम यहाँ पर इसलिए इस तरह से बाइंड ऑफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी दो रोज़ उल्टी बननी चाहिए तो मैं इसको उल्टा बुनते हुए ही बाइंड ऑफ करूँगी अब देखिए ये दो फंदे हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे और बाइंड ऑफ करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्लीव के फंदों में बाइंड ऑफ़ किया था अब ये फंदे उल्टे हैं धागा अपनी तरफ ला कर इनको उल्टा बुनेंगे और बाइंड ऑफ कर देंगे फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और उल्टा बाइंड ऑफ कर देंगे अब ये फंदे हमारे सीधे हैं इनको सीधा बुन लेंगे और इनको बाइंड ऑफ कर देंगे ऐसे तो इसी तरह से मैं फंदों को जो बंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसी तरह से बुनते हुए मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी ये जो टू बाई टू रिबिंग हमारी बनी हुई है उसको और जब हमारी ये दूसरी बटन बैंड आएगी तो मैं इसको उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करूँगी जैसे मैंने यहाँ पर बाइंड ऑफ़ किया तो मैं ये बाइंड ऑफ करके स्लीव को सिलाई करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ तो देखिए व्ययर्स हमारा राउंड नेक कार्डिगन बनकर तैयार हो गया है तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे तो अपना और अपने प्यारों को रखिए बहुत सा ख्याल मुझे अपनी दुआ में याद रखिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़